हाउ टू बी ए संस्कारी लड़की फीचरिंग दिस बाबा। आप हिंदू हैं ना? हाँ, अपने आप को हिंदू कहते हो ना। गुरुजी मेरी बात सुनो। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? आजकल तो हमारी बहन बेटियां सबसे हाथ मिलाती हैं, हेलो इज माय फ्रेंड, तो दूर से नमस्कार कर ले। फ्रेंड है तो यूं नमस्कार कर ले कि हाथ ही मिलाए के मानेगी। इमेजिन करो कॉलेज में, नमस्ते राहुल। लव जिहाद वाकई एक बड़ी समस्या है। अगर हम प्यार करते हैं तो धर्म बदलवाने का दबाव क्यों बीच में आ जाता है? आदाब जुनैद, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये कौन सी फ्रेंडशिप है जो हाथ मिला के और गले लग के ही शुरू होगी तुम्हारी? किसने सिखाया है? हे 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 सिमरन, हाँ तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। सिंपल, प्यार दोस्ती है। हाँ, सो हाउ टू बी ए संस्कारी लड़की, रूल नंबर 1। बोले या तो पति साथ हो तब आप किसी से बात करो, या भाई साथ में हो तब आप किसी से बात करो, या आपके पिताजी आपके साथ हो तब आप किसी से बात करो। बात करो मर्यादा में रहकर। डोंट टच एनीबॉडी, Don't touch anybody, don't touch anybody, don't touch anybody। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। चुप जाइए, चुप आइए। मुस्कुराना हो तो अपने फैमिली मेंबर के बीच में मुस्कुराइए। वार्तालाप करना हो अपने परिवार के बीच में करिए, कोई टेंशन नहीं। रूल नंबर 2, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। कितना सिंपल है, वार्तालाप करना है अपने फैमिली मेंबर से करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गुरुजी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 90% रेप केसेस में जो मुजरिम होता है वो लड़की की पहचान वाला होता है। गुरुजन ऐसा कहते हैं, संत मुनि ऐसा कहते हैं। जब तक शाम तक या जब तक पति न हो तब तक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और अनमैरिड कन्याओं को कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब तक शादी न हो जाए। रूल नंबर 3, अनमैरिड गर्ल्स मेकअप करके घर से बाहर ना जाएं। अगर इमरजेंसी में जाना भी पड़े तो वैसा मेकअप करके जाएं जैसा शास्त्रों में वर्णन है। मैं बताता हूँ कैसा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है देवियों को कभी अकेले नहीं, बचपन में अपने पिताजी के साथ जाना चाहिए, भाई के साथ जाना चाहिए, और युवा अवस्था में अपने पति के साथ जाना चाहिए, वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र के साथ जाना चाहिए। रूल नंबर 4, सिर्फ अपने पिता, पुत्र, पति और भाई के साथ ही घर से बाहर जाएं। एक सवाल है मेरा, घर में बच्ची पैदा हुई, फर्स्ट बेबी, और पिताजी की किसी वजह से डेथ हो गई, और भाई नहीं है क्योंकि पिताजी की डेथ हो गई, और बड़े होने तक पति भी नहीं है, तो वो क्या करे? घर से बाहर कैसे निकले? थर्ड ईयर स्टूडेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। और जब तक आप बाजार में या घर से बाहर रहें तो बेवजह मुस्कुराते हुए पथ पर न चलें, रास्ते में न चलें, बेवजह न मुस्कुराएं, बिल्कुल भी आप मुस्कुरा कर नहीं जाएं। रूल नंबर 5, सड़क पर जाते हुए बिना वजह ना मुस्कुराएं। देखो तुम बिना किसी रीजन के रोड पर हंसते हुए जाओगी, फिर हमारे लड़कों को गलत सिग्नल जाएगा, फिर वो तुम्हें छेड़ देंगे, फिर हम उनकी जगह तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, बस तो फिर। और जब आप मर्यादा में रहोगे, जब आपके माथे पे तिलक दिखेगा ना, भजन करती हुई झोली आपके हाथ में होगी ना, तो बड़े से बड़े राक्षस की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको भाभी जी और गंदे कमेंट कर सके। राक्षस कब उठा कर ले जाता है? जब तुम लक्ष्मण रेखा पार करती हो। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि मर्यादा में रहो। मर्यादा तो पता है ना, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से आंखें नहीं मिलाना, किसी को टच नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, बेवजह स्माइल नहीं करना, सांस नहीं लेना। बाबू ये चलिए ना, बात काट मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को, पकड़ नहीं मेरे को। बोले महाराज वो तो शादी है, उसमें क्या है, शादी है तो भी घर में नाचो, रोड पे मत नाचो। रूल नंबर 6, रोड पर मत नाचो। लेकिन रोड से निकलने वाला आपको बुरी नजर से देखेगा, और जब बुरी नजर से देखेगा तो शायद आपके भाई को और किसी को वो अच्छा लगे न लगे, पर मेरे ठाकुर को वो अच्छा कदापि नहीं लगेगा। गुरुजी जब रेप होता है तब आपके ठाकुर को बुरा क्यों नहीं लगता? ये शोले पिक्चर वाले ठाकुर है क्या? मतलब देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये हाथ हमको दे ठाकुर। गुरुजी का प्रसाद मुझे मिल सकता है, उसके बाद भी रिस्क लिया मैंने। गुरुजी का पाप लगेगा, माता रानी का श्राप लगेगा। वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, कमेंट करो वीडियो के नीचे। इतना ठीक है अभी के लिए।